मेरा क्रोध जागृत हो चुका है। हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली इस अदृश्य बाधा को अभी नष्ट कर दूंगा मैं। ये जो भी अदृश्य बाधा है, ये इन तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। होता है अब ये देवता भीतर आ ही जाएंगे। अरे रे 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 रे। देवताओं को शौणितपुर के भीतर आना ही है तो इतने श्रम की क्या आवश्यकता है। अब तो ऐसा भीतर बुलाऊंगा इन देवताओं को कि फिर वापस लौट नहीं पाएंगे ये। महाराज भीतर आने देंगे इन्हें, किंतु क्यों? कुबेर देव, वायुदेव, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। शीघ्र ही हम इस बाधा को नष्ट कर भीतर जाने में सफल हो जाएंगे। भूकंपन कैसा? देवराज, ये क्या हो रहा है? ये भूमि खंड तो हमें साथ लेकर ऊपर क्यों उठ रहा है? इंद्रदेव, हम उस स्तंभ से टकराने वाले हैं। अब ये भूखंड अचानक अदृश्य कैसे हो गया? सेनापति कुमार कार्तिकेय, क्या हो गए? ये दृश्य देखकर इतने विचलित क्यों हो गए? दुष्ट भीरु असुर, तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी के साथ क्या किया? क्या किया? ये कैसा प्रश्न है? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नगर है ये, मेरे विधान के अनुरूप ही चलता है, बिना किसी अनुमति के। यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और यदि कोई ऐसा हट करेगा तो उसका परिणाम तो भुगतेगा ही ना। सदा के लिए काल कोठरी में बंदी बनेगा, फिर चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो वो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम अपने देवताओं को मुझसे मुक्त कराना चाहते हो ना, तो स्वीकार करो मेरी चुनौती, प्रवेश करो मेरे शौणितपुर में और ले जाओ उन तुच्छ देवताओं को। कहो, इतना साहस, इतना सामर्थ्य है तुम में? कदाचित नहीं, इसलिए तुम्हारे पग आगे नहीं बढ़ रहे।
बहुत हुआ, अब और नहीं रुक सकता मैं। अभी जाकर इस दुष्ट तारकासुर को इसकी दुष्टता का उचित दंड दूंगा मैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव कहाँ? मैं अभी तारकासुर को उचित पाठ पढ़ाता हूं। रुकिए, अब आप सभी कहां जा रहे हैं? आप सभी यहीं रुकिए। किंतु कुमार, बस, ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का आदेश है, आप सभी यहीं रुकेंगे। मेरा ये गदा तुम्हारे शौनितपुर को खंडित कर देगा, तुम्हारे शौनितपुर को खंडित कर देगा। मयूर जी, ये तो और भी उत्तम है कि ये देवता आपस में ही भिड़कर स्वयं ही नष्ट हो जाएं। मुझसे युद्ध करने आए थे ये? क्या दशा हो रही है इन सब की, आपस में ही भिड़कर। ये क्या किया आपने? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सूर्यदेव, ये क्या करने जा रहे थे आप? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, वहां उसके बंदी है, तो हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना? सर्वथा उचित कहा आपने सूर्यदेव, अर्थात आप भी देवराज, वायुदेव और कुबेर देव के मार्ग पर ही अग्रसर थे, तो उन्हीं के समान आपको भी बंदी बनाने से क्यों रुकेगा तारकासुर? इसका तनिक भी विचार किया आपने? शांत हो जाइए सूर्यदेव, क्रोध से समस्या का हल नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें कोई युक्ति सोचनी होगी।
मुझे क्षमा कीजिए कुमार कार्तिक, मैं अधिक आवेशित हो गया, किंतु हम करें तो करें क्या? आप ही बताइए कुमार कार्तिक, क्या आदेश है? मेरे होते हुए किसी भी अन्य को स्वयं को संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकूं। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र, मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी। मुझे कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है माँ, मैं अब क्या करूं? पुत्र, पुत्र, पुत्र। आप यहाँ? पुत्र, अभी तुम्ही ने तो मुझे पुकार कर प्रश्न किया था कि माँ अब मैं क्या करूँ। हाँ माँ, मुझे बताइए माँ कि मैं शौनितपुर में प्रवेश कैसे करूँ। पुत्र, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे इस प्रश्न का तुम्हें उचित उत्तर प्राप्त होगा? निसंदेह माँ। तो क्या पुत्र तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ? माँ, आप मेरे समक्ष हैं, मैं आपको अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरी माँ हैं। पुत्र, तुम मुझे देख अवश्य सकते हो, किंतु क्या इसका ये अर्थ है कि मैं वास्तव में यहाँ हूँ? आओ पुत्र। माँ, आप यहाँ? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता, उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे देवराज, वायुदेव और कुबेर जी ने सरलता के लोभ में अपनी स्वतंत्रता खो दी। जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता, इसीलिए अब अपने नेत्र बंद कर, अपने विवेक से अपने अंतर की गहराई में उतर कर उचित मार्ग का चुनाव कर। मायावी भवन में भीतर जाने का मार्ग वहां ढूंढना होगा जहां कोई मार्ग दिखाई न देता। मैं आपका संकेत समझ गया माता। कुमार कार्तिके, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्या करें हम? आप कुशल तो है ना देव सेनापति, आप अचानक ऐसे शांत और स्तब्ध क्यों हो गए? चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, मैं सर्वथा कुशल हूं और अब मुझे उचित मार्ग भी ज्ञात है। चलिए मयूर जी, आगे बढ़िए।
ये क्या कर रहे हैं कुमार कार्तिक? इस तरह तो वो टकरा जाएंगे। आगे प्राचीर है प्रभु, उससे टकरा कर नष्ट हो जाएंगे हम। आपकी अनुमति हो तो मैं थम जाऊं? नहीं मयूर जी, उड़ते ही रहिए। क्या किया कुमार कार्तिकेय ने? तो क्या वो उस प्राचीर से टकरा गए? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता। गए कुमार कार्तिक, उस प्राचीर से टकराकर कहां दृश्य हो गए वो? माता पिता का मार्गदर्शन और उनका अनुभव संतान को सदैव कठिनाइयों के भंवर से उबारता है। धन्यवाद माँ, आपके सुझाव और आशीष के बल पर मैं यहां तक तो पहुंच गया, किंतु तारकासुर की इस मायावी नगरी में अब मुझे और भी सजग रहकर आगे बढ़ना होगा। महाराज, महाराज, देखा आपने, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय अब आपके शोणितपुर में प्रवेश कर चुके हैं। महाराज, 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 देखा आपने, कार्तिकेय आ गए। हाँ, देखा, अवश्य देखा, किंतु स्वयं मैंने इस महादेव पुत्र को भीतर आने दिया। मेरे असुर सम्राट तारकासुर के मायावी नगरी में यहां जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा के अनुसार होता है। और अब ये कुमार कार्तिकेय एक कीट पतंग के समान प्रवेश कर गया है मेरे मकर जा जाए। कब क्या किस में परिवर्तित हो जाए किसी को ज्ञात नहीं, मुझे भी नहीं। तारकासुर, तुम्हारे इस माया जाल को तो मैं अवश्य भेदूंगा, तीनों देवताओं को ढूंढूंगा भी और यहां से मुक्त कराकर भी ले जाऊंगा, देखना तो। अच्छा, ढूंढो, अवश्य ढूंढो, किंतु कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम ही ना लुप्त हो जाओ मेरी माया नगरी के माया जाल में। कदाचित आप कुमार कार्तिकेय के समर्थक हो, कम आंकने की भूल ना करें।
आपको विश्वास था ना कि वो शोणितपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वो यहाँ पहुंच गए और अब आपका विश्वास है कि वो इन बंदी देवताओं को नहीं ढूंढ सकेंगे और आपने उन्हें चुनौती भी दे दी। जिसमें कभी सफल नहीं होगा वो, और जहाँ कुछ दिखाई ही ना दे वहाँ कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है। रात्रि रात्रि तारकासुर के इस मायावी अंधकार से निराश नहीं हो सकता मैं। मुझे इसी अंधकार में आशा की कोई किरण ढूंढनी होगी। इस गहन अंधकार में इतनी जगमगाहट कैसे उत्पन्न हो रही है? क्या है वहां? देखूं तो ये तो कुबेर जी के कर्ण का आभूषण है। मुझे इस ओर देखना चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, इसकी जगमगाहट दिशा से प्रभावित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आकर्षण इसे अपनी ओर खींच रहा है, किंतु कहां और क्यों? देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा, और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। संसार की समस्त धन संपदा के संरक्षक हैं कुबेर देव जी, इसीलिए जो उनका है वो स्वयं उनके पास जाने के लिए गतिमान होता है, अर्थात ये आभूषण भी उनकी ही दिशा में जाने के लिए जगमगा रहा है। इसकी जगमगाहट तो बढ़ती ही जा रही है, अर्थात स्पष्ट है कि तीनों देवता उसी टीले पर स्थित। मुझे इसकी ऊंचाई को लांघकर उन तक पहुंचना होगा।
से देवताओं को ढूंढ लेगा। अब इन देवताओं का अंत करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए हमें। या मेरा अनुमान सर्वथा उचित था। यही बंदी है तीनों देवता। देवराज, ये अग्नि के लिप्ते हमें भस्म कर देंगी। चिंता मत कीजिए इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेरदेव, कोई हानि नहीं होने दूंगा आपको। मैं यहां से सुरक्षित अपने साथ मुक्त करा कर ले जाऊंगा। तीनों इस डोर को थामिए, फिर मैं आपको यहां से बाहर निकाल लूंगा। इंद्रदेव, पूरे प्रयत्न कीजिए। इंद्रदेव, अब आप इस जोर को थामिए। अब ऊपर आने का प्रयत्न कीजिए इंद्रदेव। मैं भी कहां पड़ा था। कुमार कार्तिकेय, कुमार देव, क्या कुबेर जी, स्थिर रहिए, आपको भी अभी बाहर खींच लेंगे हम। सर, अपना मुख खोलने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे अप्रिय शब्दों से मेरा और क्रोध न बढ़ जाए। याद नहीं कुमार कार्तिकेय कहां पहुंचे, और वो इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी की रक्षा करने में सफल हुए भी अथवा नहीं। हाँ वरुण देव, तारकासुर की माया के कारण आज प्रथम बार हमारी दिव्य दृष्टि भी बाधित हो गई है, इसलिए वहाँ क्या घटित हो रहा है वो देख पाने में हम अक्षम हैं। ऐसा समंजस की स्थिति में मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ निष्क्रिय खड़े रहकर असहायता का अनुभव होता है, और कुमार कार्तिकेय का स्पष्ट आदेश था कि हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना है, उनके आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कुमार कार्तिकेय से तनिक भी विलंब हो जाता तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होता। वैसे हमारा भार इतना नहीं है, वो तो
आभूषण है ना हमारे तन पे इतने सारे, इस कारणवश वो भार में थोड़ी वृद्धि हो गई। किंतु आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें खींच लिया। उचित कहा कुबेर देव जी, आपके आभूषण आपका भार अवश्य बढ़ाते हैं, किंतु इनसे आपका लाभ भी तो हुआ है। हाँ। आपके आभूषण के कारण ही तो मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। आपके आभूषण ने ही मुझे आप तक पहुंचने का दिशा निर्देश प्रदान किया है। आपने स्वयं यहाँ कर हमारी रक्षा की है कुमार कार्तिक, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देव सेनापति हूँ मैं, इसीलिए देवताओं की रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है वायुदेव, जिसे मैं सदैव पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा। ये ध्वनि कैसी है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को स्पर्श करती हुई किसी भवन की आकृति। तनिक ध्यान से देखता हूं। दिव्य वायु प्रवाह आगे बढ़ने नहीं दे रहा हमें, बाधा बनकर उत्पन्न हो चुका है यह हमारे लिए। ये सब क्या हो रहा है? अकस्मात भवन कैसे और कहां लुप्त हो गया? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड़क है। शोनपुर के अंधकार में आकाश में एक भवन है, उसी भवन में वो मायावी खड़क सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। तब तो अब हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देव सेनापति कार्तिक, हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। हाँ वायुदेव, जिस भवन का उल्लेख श्री महागणपति जी ने हमसे किया था, कदाचित ये वही भवन है और वो विशेष खड़क भी यहीं स्थित है। और ये सारी बाधाएं, ये सब तो उसे सुरक्षित कर रही हैं जो यहां सर्वाधिक मूल्यवान है, ताड़कासुर के। अब हमें यथाशीघ्र इन बाधाओं को पार कर उस भवन तक पहुंचना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम सीधे मार्ग पर आगे बढ़ वहां पहुंचना होगा जहां हमारे समक्ष एक वन प्रकट हो। और स्मरण रहे, हमें प्रकट यही करना है जैसे हम शोणितपुर में यहां वहां भटक रहे हैं, क्योंकि यदि तारकासुर को यह ज्ञात हो गया कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम पर टूट पड़ेगा। इसीलिए आप किसी भी स्थिति में हमें उस भवन एवं खड़क के विषय में चर्चा नहीं करनी। तारकासुर का वो विशेष खड़क कहाँ स्थित था? अब कुमार कार्तिकेय ने ये तो ज्ञात कर लिया था। अर्थात अब तो यही शेष था ना ब्राह्मण देवता, कि तारकासुर को उनके वास्तविक लक्ष्य का आभास भी न हो और कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में तीनों देवता
सभी कठिनाइयों पर विजय पाकर उस खड़क तक पहुंचे और उसे नष्ट कर दे। हाँ, होना तो यही चाहिए था, किंतु हुआ नहीं, क्योंकि उनके समक्ष एक और बड़ी बाधा प्रकट होने वाली थी। रुकिए, रुकिए आप सभी। जो बाधाएं हमारे समक्ष आने वाली वो हमें ज्ञात है, किंतु उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना चाहिए और त्रिदेवों के मार्गदर्शन में इस तारकासुर रूपी संकट से निपटने का कोई और समाधान ढूंढना चाहिए। ये आप क्या कह रहे इंद्रदेव? इतनी कठिनाई से लक्ष्य के इतने निकट पहुंचकर हम उसे प्राप्त किए बिना कैसे जा सकते हैं? वायुदेव, मैं जानता हूं महागणपति जी ने हमें मार्ग सुझाया, किंतु आप सभी ये भूल रहे हैं कि एक मायावी नगरी है। यदि हम तनिक भी चूके, तनिक भी, सदैव के लिए तारकासुर के मायावी जाल में उलझ कर रह जाएंगे। इंद्रदेव, आत्मविश्वास और साहस से तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, और फिर परिणाम की चिंता किए बिना प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य है। तभी तो हमें अपने वास्तविक सामर्थ्य का परिचय ज्ञात हो। मैंने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शौनितपुर में प्रवेश किया है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटने वाला, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिन बाधाएं क्यों न आए, किंतु आप मेरे साथ आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं अथवा यहां से लौटने का मार्ग ढूंढकर यहां से लौटने का, ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं।